तो हमने गाइज हीरो सीडी डिलक्स बाइक का पूरा फुल इंजन ओपन किया है और हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं, इंजन बांधते हैं, अगर किसी भी समस्या से, जैसे क्या है कि धुआं देता है, तो यह बाइक हमारा धुआं दे रहा था जिनके कारण से हमने पूरा फुल इंजन असेंबली इसको बाहर निकाला है। तो अब गाइज हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो इंजन ओपन किया है तो इसमें हमें कौन कौन सा पार्ट्स पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सा पार्ट्स हमें चेंज करना चाहिए, तो ये चीज़ गाइज बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप एक बार देखते हैं तो कभी आप मिस नहीं करेंगे कि हमने इंजन बांधा, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, काश ये भी लगा देता तो ये अच्छा हो जाता, वो भी लगा देता तो ये आवाज़ बंद हो जाता, ये सब चीज़ का बाद में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए गाइज हम दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा हमें पार्ट्स चेंज करना है और किस किस पार्ट्स पर हमें ध्यान देना है और अच्छे से किस तरीके से इंजन फिटिंग करना है। तो पूरा इंजन हम एक जगह फिलाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा हमें पार्ट से चेंज करना चाहिए। गाइस पूरा इंजन को ओपन कर दिया है और अब हमें देखना है इसमें कौन कौन सा हमारा पार्ट्स ख़राब है और कौन कौन सा पार्ट्स हमें चेंज करना चाहिए और कौन सा पार्ट्स हमें रिपेयरिंग करके चला देना चाहिए। तो सबसे गाइस पहले हम हेड पर आएँगे जिसमें हमें इस वाल्व, जो हमारा वाल्व होता है, इसे हमें चेक करना होता है। तो ये चीज़ गाइस हमें साइड पले देखना होता है इसका, तो आप देख सकते हैं इसका जो पले है ये चीज़ कितना ज़्यादा पले है। तो इसका गाइज हम फाइनली ये वाल्व चेंज करेंगे और इसी के साथ साथ हमें गाइड भी देखना है, अगर गाइड ख़राब होगा तो हमें गाइड भी चेंज करना है। तो इसी तरीके से गाइज हमें दोनों वाल्व में इस तरीके से हमें काम कराना है, तभी हमारा क्या होगा, कंप्रेसर का कभी भी दिक्कत नहीं आएगा 4 साल 5 साल तक। तो इतना काम गाइज हमें हेड में कराना है और इसी के साथ साथ जो हमारा दिक्कत था, ये प्लग का जो हमारा समस्या था फुल टाइट नहीं हो रहा था, तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम गुना बनवाएंगे और पूरा फुल इसमें दूसरा जो एक आता है कि गुना बना के ये लेथ वाला काम करते हैं, स्लिप ठोकते हैं इसमें, तो वही हम इस पर स्लिप ठोकवाएंगे और गुना करवाएंगे। तो ये गाइज हमें इतना काम इसमें हेड में कराना है और इसी के साथ साथ हमारा जो कैम होता है इसका हमें बेयरिंग चेक करना चाहिए कि इसका बेयरिंग अगर पले है तो बेयरिंग चेंज करना चाहिए, नहीं तो कैम अगर यहाँ से अगर दिक्कत आता है क्या होता है घिस जाता है, तो घिसने के कारण से हमें ये चीज़ भी चेंज करना चाहिए होती है। ये चीज़ हाँ गाइज हमारा ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं, इसे हम यही रहने देंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा रोकर आता है इसमें भी आप देख सकते हैं जो कि हमारा निशान आ जाता है, तो इसका गाइज हालांकि उतना निशान नहीं है तो इसे हम चला देंगे। तो ये हमारा हेड का काम गाइज क्लियर हो गया और इसी के साथ साथ हमारा जो गियर साफ्टा होता है जिसके ज़रिए से हमारा गियर लगता है, तो इसमें हमें यहाँ पर देखना होता है कि ये चीज़ क्या होता है, ये हमारा ये गुना स्लिप कर जाता है, इनके कारण से हमें ये सेफ्टा चेंज करना पड़ता है, या तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा पले आ जाता है, या तो स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, या तो यहाँ पे घाट आ जाता है, तो ये इन सब के कारण से हमें इसे भी चेंज करना होता है। तो ये हमारा गाइस ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जिसे हम गियर डॉग बोलते हैं, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पले हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते गाइज बहुत ही ज़्यादा पले है ये गियर डॉग। तो इसे गाइज हम चेंज करेंगे, अगर ये हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा गियर लगने में या गियर अटकने का समस्या आ सकता है, तो इस तरीके से दिक्कत है। तो अगर हम हमारा क्या होता है कभी कभी ऐसे भी हम अगर ज़ोर से गियर दबाते हैं तो क्या होता है कि हमारा गियर फंसने लगता है, या एक नंबर लगाते हैं 3 नंबर लग जाता है, या कभी न्यूट्रल जल्दी से नहीं होता है। तो इसमें गाइज हमें यह चेंज करना है और इसी के साथ साथ हमारा जो सिलेंडर है तो इसमें हम पिस्टन लगवाएंगे, ये हमारा 25 नंबर का पिस्टन इसमें पहले से लगा हुआ है, अब हमें क्या करना है 50 नंबर का लगाना है, या तो आप इसे चेंज कर सकते हैं तो ज़्यादातर बेहतर रहेगा। और जो हमारा गाइस सेंटर हब है तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अगर हमारा ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा निशान आ जाएगा, गड्ढा हो जाएगा ये जगह, तो ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं ये। और प्रेशर प्लेट भी हमारा ठीक ठाक है, और जो हमारा क्लच प्लेट है इसे हम सिर्फ चेंज करेंगे। इतना काम गाइज हमें करना है और इसी के साथ साथ हमें चैम्बर में बेयरिंग भी चेक करना चाहिए, जो हमारा ये बेयरिंग आप देख सकते हैं, इस बेयरिंग पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, और ये अगर हल्का भी पले है तो इसे क्या करना है गाइज हमें चेंज कर देने में ज़्यादातर बेहतर रहता है। तो इस ये बेयरिंग जो है हमारा पले है इसे हम चेंज करेंगे, और इसी के साथ साथ गाइज जो गियर होता है यहीं से हमारा गियर काम करता है, तो इसमें भी अगर यहाँ पे अगर घिस जाता है ये चीज़,
गड्ढा हो जाता है किसी किसी का, तो इसे भी हमें चेंज करना होता है। सिर्फ इसमें यहीं पे दिक्कत आता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि यहाँ पे अगर घिस जाता है या कट जाता है तो इसे हमें चेंज करना होता है। तो ये हालांकि हमारा ठीक ठाक है, ये घिसा नहीं है, तो इसे हम यही लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसी के साथ साथ गाइज, ये जो हमारा न्यूट्रल पत्ती होता है इसके ऊपर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये 2-4-5-10 रुपये का पत्ती आता है, और अगर ये चीज़ हमारा टूट जाता है तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल लाइट जो होता है ऊपर मीटर केस में वो चीज़ नहीं दिखेगा, मतलब बिलिंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से है, अगर आप इंजन खोलते हैं इस पत्ती को हमें नया ही लगा देने में ज़्यादातर बेहतर रहता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना हो गया है, और यहाँ पे भी ये चीज़ कट गया है, मतलब घिस गया, पतला हो गया है। तो इसे भी गाइज हम चेंज कर देंगे, हालाँकि ये चीज़ अभी टूटा नहीं है, पर इसे चेंज कर देने में ही बेहतर रहता है। तो इतना काम गाइज हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा पैनियन होता है गियर का, आप देख सकते हैं, जो कि इसे भी हमें चेक करना होता है। कभी कभी क्या होता है, इस पैनियन में हमारा दाग आ जाता है, गड्ढा गड्ढा सा, जो कि वो चीज़ हमें बहुत ही बारीकी से देखना होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैनियन में भी क्या होता है, चलिए हम खोल के इसे दिखा देते हैं आपको। ये जो पैनियन है, जो दांत है हमारा, ये चीज़ भी कभी कभी हमारा कट जाता है, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये इसका हालांकि कटा हुआ नहीं है, ये हालांकि ठीक ठाक है, गियर लगने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था, कोई भी परेशानी नहीं था। और इसमें भी गाइज हमें देखना चाहिए, जिस तरीके से हमें वो चेक करना चाहिए, उस तरीके से इसका पैनियन भी हमें चेक करना चाहिए। अगर कोई सा पैनियन अगर ख़राब लगे तो उसे हमें चेंज करने में ही बेहतर रहता है। और अब हम दिखाने वाले करेंक हमें किस तरीके से चेक इन करना है। तो अब आता है बात गाइज करेंक की, तो करेंक आप सबसे पहले इसका क्या है, हमें बेरिंग चेक करना है। तो आप देख सकते हैं बेरिंग का जो पले है, बहुत ही ज़्यादा पले है, इतना आप समझ लीजिए कि ये हमारा बेरिंग जो है ये चीज़ ख़राब हो गया। हालांकि ये चीज़ फ्री है, पर फिर भी हम क्या करेंगे, इसका बेरिंग चेंज कर देंगे। अगर आप फुल इंजन खोलते हैं या करेंक कनेक्टिंग लगवाते हैं तो आपको बेरिंग चेंज कर देने में ही ज़्यादातर बेहतर रहता है। तो इसी के साथ गाइज हम दोनों बेरिंग हमारा ख़राब है और दोनों बेरिंग हम चेंज करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा कनेक्टिंग है, आप देख सकते हैं कनेक्टिंग हम दिखा देते हैं आपको अच्छे से, देख सकते गाइज कितना ज़्यादा पले है, बहुत ही ज़्यादा पले है, और ऊपर नीचे का भी इसमें पले है। और ऊपर नीचे का पले चेक करने के लिए इस तरीके से हमें पकड़ना है दो उंगली से, और यहाँ पे हमें इस तरीके से चोट मारना है। तो ये अगर पले रहेगा तो खटखट सी आवाज़ करेगा, तो हम भी दिखा देते हैं आपको। तो देख सकते हैं ऊपर नीचे का भी बहुत ही ज़्यादा पले है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना काम गाइज हमें करना है। और इसी के साथ साथ जो हमारा किक साफ्ट है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किक मारते हैं तो हमारा कड़कड़ जैसी आवाज़ हो जाता है, मतलब स्लिप कर जाता है, तो वो चीज़ हमारा यहीं से दिक्कत होता है, जो हमारा किक रेचट होता है। आप देख सकते हैं ये दांत अगर हमारा खा जाता है, घिस जाता है, तो इसके ज़रिए से क्या होगा, अगर हम किक मारेंगे तो हमारा किक कभी कड़कड़ाहट से आवाज़ करके ये नीचे की ओर स्लिप कर जाएगा, स्लिप कर जाता है। तो इस तरीके से समस्या आता है। तो गाइस फाइनली हम इतना काम इसमें कराएंगे, और इसका फुल वीडियो जो होगा, अगर आप फिटिंग करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अगला पार्ट में उसका देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस पार्ट में वीडियो नहीं, एक वीडियो में पूरा फुल डिटेल हम नहीं बता पाए। सिर्फ हमने ये बताया आपको किस तरीके से आप अगर किसी भी बाइक का इंजन खोलते हैं तो किस तरीके से हमें चेक करना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट्स है इसमें हमें चेक करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए किस किस पार्ट्स पे, कि हमें ये पार्ट्स चेंज करना है और आवाज़ हमें अच्छे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर एक जो हमारा ऑयल पम्प स्पॉकेट आता है, देख सकते हैं आप, जो कि ये टाइमिंग चेन में हमारा काम करता है और इधर से घूमता है और इधर से हमारा ऑयल पंप चलाता है, और जो कि हमारा इंजन ऑयल वो हेड पे ऊपर जाता है। तो इसका जो दांत है ये चीज़ घिस गया है, अगर हल्का भी घिसता है जब भी हम फुल इंजन खोलते हैं तो ये चीज़ ओरिजिनल लगाए और ज़रूरी लगा दें। और ये सब का जो होता है पहले हमें चेक करना होता है, और ये बांसुरी जो होता है इसे भी हमें चेक करना होता है। ये चीज़ भी कभी कभी क्या होता है, हमारा लीकेज कर जाता है, जिनके कारण से ख़राब हो जाता है, जिनके कारण से हमारा टाइमिंग चेन अगर हम नया भी लगाएंगे तो हमारा लूज हो जाएगा और जल्दी मतलब आवाज़ करने लगेगा।
तो बस गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं पार्ट टू में जो कि हम पूरा इंजन फुल डिटेल बांधने वाले हैं। तो वो किस तरीके से हमें बांधना है अच्छे से तो हम पूरा फुल डिटेल में बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलिए गाइज अब हम इसका पूरा फुल असेंबली काम करवाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको।